हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल काइट मैथ्स में। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को तो सब्सक्राइब करें और अपने इस भाई को मोटिवेट करें ताकि आगे भी हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए ला सकें। तो चलिए देखते हैं RRC ग्रुप डी में पूछे जाने वाले कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साधारण और वृद्धि ब्याज चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि RRC ग्रुप डी में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। फ्रेंड, आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। कितने समय पश्चात एक राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाएगी? तो जब भी ऐसा प्रश्न रहे तो आपको तो इसमें मूलधन दिया नहीं है, तो इसमें आप लोगों को क्या निकालना है? मूलधन। तो मान के चलिए मूलधन क्या है, एक्स है। मूलधन बराबर एक्स, मूलधन को एक्स मान लीजिए, ठीक है। और इसमें आप लोगों को साधारण ब्याज भी नहीं पता है, तो साधारण ब्याज को क्या कीजिएगा, साधारण ब्याज को भी एक्स मान लीजिए, साधारण ब्याज को भी एक्स मान लीजिए। तो देखिए इसमें प्रश्न में क्या पूछा है, कितने समय पश्चात, इसमें समय पूछा है। क्या पूछा है? समय पूछा है। तो इसमें आपको क्या निकालना है? समय। तो जब समय का फॉर्मूला क्या है, साधारण ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय, यही इसका फॉर्मूला है। तो इसको आप लोगों को क्या करना है, फॉर्मूला पर बैठा देना है। इसका फॉर्मूला क्या है, साधारण ब्याज गुने 100 साधारण ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने दर। अब इसमें आपको साधारण ब्याज भी नहीं पता है और मूलधन भी नहीं पता है और दर पता है 5%, तो कैसे निकालिएगा? तो साधारण ब्याज एक्स मान लीजिए और मूलधन को भी एक्स मान लीजिए। अब देखिए इसे बना के जरूर बनेगा। तो साधारण ब्याज क्या है, एक्स, तो एक्स लिख दीजिए। उसके बाद इंटू 100 है तो 100 लिख दीजिए, बट्टे में मूलधन कितना है, एक्स, इसको भी एक्स लिख दीजिए, और दर कितना है, 5 गुने 5, तो एक्स से एक्स कैंसिल और 5 से 100 कैंसिल 20 टाइम्स में, तो आंसर क्या आएगा, 20 वर्ष। आंसर क्या है, 20 वर्ष। फ्रेंड, जब भी ऐसा प्रश्न है तो आप फॉर्मूला पर बैठा के बना सकते हैं और साधारण ब्याज को भी एक्स मान लीजिएगा और मूलधन को भी एक्स मान लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए प्रश्न नंबर 2 में वो कैसे बनाते हैं वो भी देखते हैं। फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आइए दूसरे प्रश्न में, कितने वर्ष में 500 ब्याज साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक की दर से 600 हो जाएंगे? तो यानी जब 500 क्या हो गया, इसका मूलधन हो गया, इसका मूलधन कितना हो गया, मूलधन 500 हो गया। अब इसमें आपको दर कितना हो गया, दर 5% हो गया, दर कितना हो गया, 5%। अब इसमें आप लोगों को साधारण ब्याज निकालना है, तो ये क्या दिया हुआ है, साधारण ब्याज ये नहीं है, ये मिश्रधन हो गया, ये मिश्रधन हो गया, तो मिश्रधन कितना आ गया, 600। मिश्रधन कितना आ गया, मिश्रधन 600। तो साधारण ब्याज, जब मिश्रधन पता है, मूलधन पता है, तो इसमें साधारण ब्याज तो आसानी से निकल जाएगा। तो साधारण ब्याज कैसे निकलेगा, साधारण ब्याज कैसे निकलेगा, तो जब 600 में से 500 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा। तो 600 माइनस 500 तो आपका साधारण ब्याज आ गया, कितना है, 100, साधारण ब्याज आपका आ गया। अब देखिए, जब इसमें मूलधन पता चल गया, दर पता चल गया, साधारण ब्याज पता चल गया, तो इसमें कितने वर्ष यानी समय निकालना है, तो समय भी तो आसानी से निकल जाएगा। तो समय का फॉर्मूला क्या था, साधारण ब्याज गुने 100, तो साधारण ब्याज क्या है, 100 गुने 100 बटे मूलधन गुने दर। तो मूलधन कितना है, 500, मूलधन कितना है, 500, और दर कितना है, 5%।
दर कितना गया 5%। अब इसी को आप लोगों को सिंप्लीफाई कीजिए, 00 से 00 कैंसिल, 5 से 20 टाइम्स में 100 कैंसिल, और ये 5 से 24 टाइम्स में कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा, आंसर 4 वर्ष आएगा, यही आपका सही आंसर है। कितने वर्ष में 500 ब्याज पर 5% वार्षिक की दर से 600 हो जाएंगे। मूलधन पता है, दर भी पता चल गया, मिश्रधन पता है तो साधारण ब्याज भी पता चल गया। अब इसे समय के फॉर्मूले पर बैठा देना है, उसके बाद आंसर आपके आंखों के सामने रहेगा। फ्रेंड चलिए अब तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, आइए फ्रेंड तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, यदि एक व्यक्ति ने 1000 उधार लेकर 2 वर्ष में 1200 रुपया वापस किया तो उसने कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिया। तो जब भी कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको उसमें मूलधन, साधारण ब्याज दर, समय, ये सब मालूम रहना चाहिए, और जो नहीं मालूम रहता है उसी को निकालना रहता है। उसे कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिया, तो इसमें क्या पूछ रहा है, तो इसका मूलधन कितना हो गया, इसका मूलधन इसका 1000 रुपया हो गया, 1000 रुपया हो गया, और समय कितना हो गया, समय इसका 2 वर्ष हो गया। तो लिख सकते हैं समय 2 वर्ष हो गया, और वे 1200 रुपया वापस किया, तो 1200 उसका मिश्र धन हो गया, यानी साधारण ब्याज और मूलधन दोनों मिला करके वो 1200 रुपया दिया, तो मिश्र धन हो गया 1200 रुपया। मिश्र धन क्या हो गया, 1200 रुपया, मिश्र धन उसका 1200 रुपया हो गया। और इसमें क्या ज्ञात करना है आपको, समय, तो नहीं समय दिया हुआ, आपको दर ज्ञात करना है, यानी दर रेट, तो ये आपको ज्ञात करना है। तो इसमें साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज का मैंने बताया था, जब मिश्र धन दिया हो और मूलधन दिया हो तो मिश्र धन में से मूलधन को घटाइएगा तो साधारण ब्याज निकल जाएगा, तो साधारण ब्याज क्या होगा, 1200 माइनस 1000, तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 200 रुपया। साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 200 रुपया। यहाँ तक क्लियर है, अब आपको आगे सॉल्व करना है, इसमें उससे कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिए, तो सिंपल सी बात है, तो चलिए इसे बनाते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, दर, तो दर का फॉर्मूला क्या है, साधारण ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय, क्या है, साधारण ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। अब यही वाले फॉर्मूला पे आपको ये डेटा को बैठा देना है। तो देखिए साधारण ब्याज कितना है, 200, साधारण ब्याज 200, 100 का 100, और मूलधन कितना है, 1000, और समय कितना है, 2 वर्ष। अब इसे सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 10, यानी 10% आपका आंसर है। फ्रेंड अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में, फ्रेंड आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 5000 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसे देखिए आप लोग कैसे गणना कीजिएगा। सो 5000 रुपया का 10%, तो जब यहाँ पर मूलधन जो है आपका 5000 रुपया है, 5000 रुपया है, और समय जो समय है दो वर्ष 6 माह है, और जो दर है आपके पास 10% है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसे फॉर्मूला पर बैठा देना है, जो चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करने के लिए जो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला है 1+1+ यानी रेट बाई 100
रेट यानी दर, वन प्लस दर बाई हंड्रेड, और इसमें होगा प्रिंसिपल यानी मूलधन, यहाँ पे लिख देते हैं अच्छे से, मूलधन मूलधन गुने एक प्लस दर बटे हंड्रेड, हंड्रेड हो गया मूलधन ब्रैकेट में एक प्लस दर बटे हंड्रेड, और यहाँ पे समय यानी कि टी, तो यहाँ पे हो जाएगा इसके पावर पर समय, यही आपका फॉर्मूला है। अब ये जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला, अब इसी पे आप लोगों को बैठा देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 5000 इसका प्रिंसिपल हो गया। तो फॉर्मूला के हिसाब से पी यहाँ पे प्रिंसिपल यानी मूलधन लिखेंगे, और एक प्लस दर कितना था 10%, तो दर लिख देंगे, बटे में हंड्रेड लिख देंगे। अब यहाँ समय कितना था 2 वर्ष, यहाँ पे 2 लिख देंगे पावर पे, तो क्या होगा 1 प्लस 1 बाई 2 इंटू 10 होगा बाई हंड्रेड। अब नीचे में है, जब इसको आप लोग सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 5000 इंटू 11 बाई 10, 11 बाई 10 इसका आएगा, और ये जो पावर है इसके हिसाब से 11 बाई 10 एक बार और लिखेंगे इंटू 21 बाई 20, 21 बाई 20 हो गया। अब देखिए इसे क्या करना है, जब इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आंसर कितना आएगा 6352.5। ये आपका क्या आ गया, मिश्र धन आ गया, चक्रवृद्धि मिश्र धन। अब आपको चक्रवृद्धि मिश्र धन का आंसर आ गया, उसमें क्या क्या पूछा था, चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछा था। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या कीजिएगा, जो जो 5000 मूलधन था इसमें से चक्रवृद्धि ब्याज घटा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसे घटाते हैं, तो 6352 माइनस 0.5 माइनस 5000, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, रुपीज़ 1352.5, ये आपका सही आंसर है। फ्रेंड आप लोगों को ये चारों प्रश्न में से किसी में भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं, और फ्रेंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं रेलवे सीरीज से रिलेटेड जो भी वीडियो लाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।